यूपी के शामली में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार आग में जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं आग से इलाके में कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसकी वजह से दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू कर ये कार यहां जली है। दरअसल ये कार यहां खड़ी हुई थी सड़क के किनारे, लेकिन अचानक ही इसमें आग लग गई और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल वहां बन गया और पुलिस को कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची थी, लेकिन उसे भी आग बुझाने में कई घंटों लग गए। वहीं आग से इलाके में कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसकी वजह से दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। और इस वक्त हमारे संवाददाता श्रवण शर्मा हमारे से जुड़े हुए हैं। श्रवण, आग कैसे लगी थी, कुछ पता चल पाया कि अभी तक? बिल्कुल, जिस तरीके से कार चालक गाड़ी खड़ी करके दुकान पर जाता है और अचानक उसमें आग लग जाती है, उसके बाद आज जिस तरीके से चालक का भी कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट या फिर अचानक जो आग लगी उसका कंफर्म कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी, आग धू धू कर पूरी रात गाड़ी को राख कर दिया है और गाड़ी में जो भी रखा सामान था वो भी जलकर राख हो गया। मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन आग किस तरीके से लगी ये कहना सुनिश्चित मुश्किल होगा। जी जी, चलिए शुक्रिया आपका श्रवण इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पहली नजर में देखते हुए इस आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। तो वहीं यूपी के हापुड़ में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। यहां गैस रिफिलिंग के दौरान एक मारुति वैन में आग लग गई और कार में आग से इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कार धू धू कर चल रही है। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड का पानी भी खत्म हो गया था। इसे बुझाने के लिए आसपास के लोगों ने अपने घरों से पानी लाकर गाड़ी में लगी आग को बुझाया।